और वो पत्ता देना, गाजर इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी बीन्स, थोड़े से मटर, थोड़ी सी गोभी, तेज पत्ता। इससे ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के आईक्यू के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ये सब्ज़ियाँ अवॉइड कर सकते हैं, आप सिंपल बिना सब्जियों के भी खिचड़ी बना सकते हैं। दालचीनी, लौंग, हमारी बहुत अच्छी स्पाइसेस के साथ अभी खिचड़ी बन जाएगी। बस अब हम इसको बंद करेंगे। टोटली ऑप्शनल, आपको डालना है नहीं डालना है, पर हमारे सूप में डाला हुआ था सोया न्यूट्री। नमक हम लोग कभी भी कुक करते हुए नहीं डालते हैं। मम्मा होने के साथ साथ एक डाइटिशियन है, तो हमेशा मेरी रेसिपीज़ में ट्विस्ट रहता है। देखिए ढक्कन खुल गया है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये खिचड़ी। हम लोग नमक हमेशा ऊपर से डालते हैं, पकाते हुए नहीं, ताकि सब्जियों का अपना जो बी विटामिंस हैं, वाटर सॉलीबल विटामिंस हैं, वो नष्ट नहीं हो जाए। सो ये हमने बनाया। आप अब देसी घी अगर देना चाहते हैं, आपको कोई परहेज़ नहीं है, तो आप देसी घी डाल के बस बच्चों को सर्व कर दीजिए।